हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं मुन्ना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल इजी वे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्मोक बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। तो देख रहे हैं आप, यहां पे स्मोक उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। यानी अगर हिंदी में बात करें तो धुआं बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम धुआं बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हम साइकिल रेंडर के थ्रू बनाना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, देना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप अपने ब्लेंडर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले इस क्यूब को यहाँ से डिलीट कर लीजिए। चलिए, मैं यहाँ से आपको स्टार डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि मैं जो भी की को प्रेस करूँगा फ्रेंड्स, अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो जो की दबाऊँगा यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पर क्या करना है, यू बी एस पे एल लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जस्ट आपको यहाँ पे साइकिल रेंडर चूज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम साइकिल रेंडर में बना रहे हैं। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, हम साइकिल रेंडर में इसे बनाएंगे और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको ब्लेंडर रेंडर में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जाना है। ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे होंगे क्विक इफेक्ट आपको ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप कर्सर ले जाएंगे, आपको जस्ट यहाँ पे राइट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्विक स्मोक, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बॉक्स आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स ड्रैग हो रहा है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, आप देख रहे होंगे इतना, ठीक है ना। अब एस और जेड प्रेस करके बॉक्स की साइज़ को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे दूर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, जस्ट मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, गुड गुड। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपको दिख रहे हैं जीरो की फ्रेम से यहाँ से शुरू होगा, तो मैं अब यहाँ पे प्ले बटन दबाऊँगा। अब आप फिर दिखेगा कमाल क्या दिखता है, अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मोक की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसे फिर से यहाँ पर जस्ट जीरो पर ले जाऊँगा, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद एस प्रेस करके मैं इसे छोटा कर लूँगा, ठीक है जी। अब मैं वन प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे रोक दूँगा, ठीक है ना, आपको याद ध्यान रहेगी, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो इसके ऊपर ऊपर जाएगा तो ओवरफ्लो होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, फिर आप जितना ऊपर भेजना चाहे आप भेज सकते हैं, ठीक है ना जी। अब हमें क्या करना है कि अब जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना जी। तो लाइट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद अब जस्ट यहाँ पे आएंगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर लाइट पर जाता हूँ, जस्ट यहाँ पर सन लेता हूँ, ठीक है ना। इसकी साइज़ हम वन कर देते हैं, ठीक है ना जी। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज नोट्स पे जाऊँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे ऐड प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना जी, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इतना सारा काम कर लिया आपने, अब फिर से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना जी। आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये मेरा सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, लाइट पर जाऊँगा, ठीक है ना जी। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि जस्ट यहाँ पर न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और स्क्रीन ऑन करनी होगी, ठीक है ना। अब इस समय मैं ये नोट्स का यूज़ करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस एक छोटी सी सेटिंग करनी है, ठीक है ना, उसे हम कैसे करेंगे, बस सिर्फ कलर चेंज करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा यहाँ पर नोट्स आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पर आपको नोट एडिटर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। अब नोट एडिट पर मैंने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, दीजिए मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान रहे आपका ये बॉक्स ही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, जो आपका एट्रीब्यूट है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और एक्स को प्रेस कीजिए, ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। अब फिर से आपको क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। आप टाइप कीजिए
आर जी बी, ठीक है। यहाँ पे आर जी बी आपको दिखाई दे देगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए इसको, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, ये कलर दिख रहे हैं आपको, येलो कलर का है, यहाँ पे येलो और ई येलो, ठीक है ना। ये कलर लिखा हुआ है, ये कलर लिखा हुआ है, तो अब इसे हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये कलर से ये कलर ज्वाइंट हो गया, फिर यहाँ से कलर निकलता है और ये इस कलर से ज्वाइंट हो गया, ठीक है ना। बस ये दो ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे कलर ये दे देता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसे आपको रेंडर व्यू में दिखाता हूँ, दिख रहे हैं ना, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर से मैं आपको यहाँ से जस्ट चेंज करके दिखाता हूँ, दिख रहे हैं ना कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो कलर देना चाहते हैं, आपकी जो मनपसंद कलर है, आप स्मोक कलर में आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसे ये कलर दे देता हूँ, ठीक है ना जी, ओके, ठीक है ना, गुड। अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि यहाँ से जाता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं सॉलिड में जाता हूँ, गुड। अब इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट करके, मैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, जस्ट कॉपी करके इसके बगल में इसे रख दूँगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको टू दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, यहाँ पे आपको टू दिखाई दे रहा है, अब ये वन हो गया, ठीक है ना, जैसे टू पे मैंने प्रेस किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को, चलिए यहाँ से जाता हूँ मैं, फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि ये वाला तो स्मोक मैंने ले लिया था, ये वाला नहीं लिया था, तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे पॉज कर दूँगा, थोड़ा सा प्ले करके, और गुड, अब मैंने इसे पॉज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से थोड़ा सा, अब मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, रेंडर में जाता हूँ, दोनों का कलर सेम है, ठीक है ना। फिलहाल इस बार मैंने इसे सेलेक्ट किया था, तो इसका कलर चेंज होगा, ठीक है ना। ध्यान रखा, दोनों का कलर चेंज होगा तो आपको यहाँ पे दो दिखाई देगा, ठीक है। अगर दो दिखाई देगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने आप ही यहाँ से हट जाएगा, अब बस ही इसका कलर चेंज होगा, ठीक है जी। तो आपको जो कलर देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे दीजिए, ओके जी। अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत हमारी ख़त्म हो गई, इसे मैं इसे हाइड कर देते हैं, ओके जी। अब आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ पे जाना है, आपको स्मोक दिखना है, यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे डिफ्यूज़ BSDF होना चाहिए, ठीक है ना, कलर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दीजिएगा, ठीक है ना। और इसको थोड़ी सी साइज़ आप बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, लगभग आप काफ़ी है, या फिर वन में कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ से वन कर देता हूँ मैं, गुड, ओके। अब ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। अब मैं यहाँ पे लास्ट 80 पे मेरा यहाँ पे फ्रेम जो हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट मैं इसे कम कर लेता हूँ, जो मेरा एंडिंग है ना, मैं इसे कम कर देता हूँ, ये लीजिए, ओके, गुड। अब यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जस्ट अब आता हूँ मैं रेंडर मोड में, मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा, कैमरे पे क्लिक करने के बाद मैं इसकी साइज़ में फुल का 100% कर देता हूँ, आपका रिजोल्यूशन सेम वही रहना चाहिए। उसके बाद से आपका फोल्डर कौन सा रहेगा, तो मैं डेस्कटॉप पे फ़िलहाल सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप ले लेता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। आपको यहाँ पे वीडियो में करना है तो हाँ, क्या FFMPEG आप चूज कर लीजिए, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से आप प्रेफरेंसेस में जा करके आप देख सकते हैं, बाकी सारे एक्स ठीक है, 64 बिट, कोई बात नहीं, गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद से अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट ऊपर जाना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे रेंडर पे जाइए, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर दीजिए, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा एनिमेशन शुरू हो गया है होना, ठीक है। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि हमारी वीडियो बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, साइकिल में थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ मेरा और हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारा डेस्कटॉप पे बना हुआ है तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पे है, मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितना अच्छा है स्मोक का बन गया यहाँ पे मेरी वीडियो। मैं फिर से प्ले करता हूँ, तब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आप भी ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी गलती है तो आप मुझे
कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।